हेलो मैडम एंड आर्मी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों आज की वीडियो में मैं मिलाऊंगा तीन चीजों को आपस में। तो दोस्तों पहले नंबर पे होगा ब्लीच, दूसरे नंबर पे पोटाशियम परमैंगनेट और तीसरे नंबर पे सोडियम मेटाबाई सल्फेट। तो दोस्तों सोडियम मेटाबाई सल्फेट ब्लीच और पोटाशियम परमैंगनेट से रिएक्शन करता है। तो दोस्तों ब्लीच जो है वो गारमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, घरों में इस्तेमाल होता है, इसके अलावा चीजों को डिसइंफेक्ट करने में इस्तेमाल होता है। पोटाशियम परमैंगनेट मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, लेप के अंदर ऑक्सीडाइजर के तौर पे इस्तेमाल होता है। और सोडियम मेटाबाई सल्फेट गारमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, फूड प्रिजर्वेटिंग में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दोस्तों ये एंटीऑक्सीडाइजर है। तो दोस्तों इन तीनों को मिला लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज यार सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने तो भाई दिल से थैंक यू। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों मेरे पास मौजूद है ये कटोरा, इसके अंदर डालूंगा मैं इसको। तो दोस्तों नेशनल जेम की बोतल के अंदर मेरे पास मौजूद है इंडस्ट्रियल ग्रेड का ब्लीच। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है NaCl, और ये मैंने थोड़ा सा ले लिया है। अब बारी आती है दोस्तों इसकी, इसको कहते हैं पोटाशियम परमैंगनेट। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है KMnO4, इसका एक चमचा इस ब्लीच के अंदर डाल दूंगा। दोस्तों इंडस्ट्रीज में इन दोनों चीज़ों को अलग अलग न्यूट्रल किया जाता है, मगर दोस्तों मैं इसको एक साथ आज न्यूट्रल करने वाला हूं, और उसमें डलेगी तीसरी चीज़। तो दोस्तों वो आ जाएगी वीडियो में आगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब एक और इंग्रेडिएंट डलेगा, वीडियो आप फास्ट फॉरवर्ड में देख पाएंगे। दोस्तों इसको कहते हैं सोडियम मेटाबाई सल्फेट। तो दोस्तों इसको डालते हैं और देखिए। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। दोस्तों इन दोनों को एक साथ न्यूट्रल करने पे ये चीज़ बन जाती है। इसका जवाब मुझे गूगल से नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों ये बिल्कुल मलाई की तरह से हो गया, और ये कटोरा बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए इसमें मैं पानी डालूंगा और इस कटोरे को ठंडा करके उठा लूंगा।